हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा सा टिप्स लेकर आई हूँ जो कि हमारी बिंदी से रिलेटेड है। तो बिंदी तो हर सुहागन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता ही है, और ये हमारे सुहागन का जो जो सुहाग स्त्रियाँ होती है, ये हमारे लिए ये सबसे सुहाग का प्रतीक होता है, क्योंकि हम लोग का बिंदी जो होता है वो सुहाग से ही संबंधित होता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सी औरतें जो होती हैं सोचती हैं पुरानी बिंदी का हम क्या करें, या फिर जो बिंदी नहीं लगाते उसका हम क्या करें, और जो बिंदी इधर उधर पड़ी रहती हैं उसको हम फेंके या ना फेंके। तो इसका बहुत ही अच्छा साज में कुछ ऐसे उपाय हैं जो बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ हर एक तरह की बिंदी रखी है, कुछ प्लेन है, कुछ डिजाइनर बिंदी है, कुछ स्टोन की बिंदी है, और क्या कहते हैं कि कुछ छोटी बड़ी सब तरीके की, सब साइज की बिंदी और हम औरतों के पास तो रहती हैं। क्योंकि क्या होता है, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अगर कुछ मेकअप का सामान लेना होता है तो सबसे पहले हम लोग बिंदी और लिपस्टिक सबसे ज़्यादा ही मतलब खरीदना पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं बिंदी, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये साइज लगानी है वो साइज। तो यहाँ तो मेरे पास छोटी बड़ी 7 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर सभी तरीके की बिंदी मेरे पास यहाँ रखी हुई। तो आज बिंदी से रिलेटेड मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एक उपाय बताऊंगी। तो बहुत सी औरतें होती हैं, वो अक्सर क्या होता है, अगर बिंदी का जो गोंद वगैरह निकल जाता है इस तरीके से कि अब उसका हम यूज क्या करें, उसको फेंके या ना फेंके, तो ये बहुत ही मतलब एक मन में एक भ्रम रहता है कि हम क्या करते हैं। अगर आप देखते हैं अगर कहीं बिंदी इधर उधर पड़ी हुई है तो उसको फेंक दिए नहीं, आप क्या करिए, उसको उठाकर एक ऐसी जगह डाल दीजिए, अगर आपके पास गमले वगैरह हो तो आप उसमें डाल दीजिए, नहीं तो इस तरीके से जो खाली पत्ते होते हैं जिसे बिंदी अब नहीं दिखी, इससे जिसे बिंदी अब एक या दो ही बिंदी रह गई हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो बिंदी यूज कर लेती हूँ, जो पुरानी बिंदियाँ होती हैं उसको इस तरीके से इसमें आप लगा के रख दीजिए, और फिर जब हमारा ये पत्ता पुरानी बिंदियों से भर जाए तो आप इसको कभी डस्टबिन वगैरह में ना डालिए, क्योंकि डस्टबिन का जो कचरा वगैरह होता है वो अक्सर क्या होता है, उसको लोग फेंक देते हैं, जो मतलब कूड़ा उठाने वाले होते हैं या जला देते हैं, जो कि ये अच्छा नहीं माना जाता है बिंदी को जलाना, क्योंकि हमारा सुहाग से ही संबंधित होता है, जो कि ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हम बिंदी वगैरह जब हमारा पुराना ढेर सारा हो जाता है तो हम क्या करें, उसको हम उठाकर मतलब कि उसको हम ले जाकर किसी झाड़ी वगैरह जो होता है वहाँ पर रख दीजिए, नहीं तो आप इसको एक ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ से मतलब हमारी बिंदी मतलब वहीं पर पड़ी रहे, ना कि इधर उधर जलाई जाए या फिर फेंकी जाए। तो और फिर अगला उपाय मैं आपको बताती हूँ कि जब भी बिंदी अगर आप नहाते वक्त ऐसे गिर जाती है तो हम क्या होता है कि उसको इग्नोर करते रहते हैं, इधर उधर फेंका हुआ रहता है, या तो उसको हम बाथरूम वगैरह जानते हैं उस पर कुल्ला वगैरह करते हैं या नहाते धोते हैं या गंदा काम जो होता है वो सब करते रहते हैं, जो कि बिंदी से होकर गुजरता रहता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करना चाहिए, हम उसे उस बिंदी को उठाकर पहले उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारा सुहाग का वो चीज है तो हमें उसको ऐसे अपमानित नहीं करना चाहिए। तो हमें उस बिंदी को उठाकर उसको प्रणाम करके फिर उसको एक ऐसी जगह रख देनी चाहिए जहाँ से मतलब उस पर पैर वगैरह ना पड़े, और उस पर थूक मतलब बाथरूम वगैरह से तो बिल्कुल भी आप घिन मत करिए, आप कोई पॉलिथीन ले लीजिए उसी से ही आप उसको निकालिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बिंदी होता है मतलब जो खराब हुई बिंदी रहती है वो एक दूसरी जगह मतलब रख दिया जाता है, तो इससे उसका अपमान नहीं होता है बिंदी का। तो इसी तरीके से और अगर आपके घर में कोई जैसे क्या होता है सुहाग का सामान, जहाँ भी से मंदिर वगैरह जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग सिंदूर और बिंदी तो जरूर लेते हैं, और लेना भी चाहिए, ये इससे हमारा सुहाग हमेशा अटल बना रहता है। तो बिंदी और सिंदूर तो आपको लेना ही है, और अगर आपकी बिंदी अगर कभी क्या होता है कि बिंदी अगर अच्छी नहीं लग रही तो बहुत लोग होते हैं उसको निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए, अगर नहीं अच्छी लग तो आप उस पत्ते को अलग जगह पर रख दीजिए। और अगर आपके घर में कोई बहन बेटी कोई भी सुहागन स्त्री आई है तो आप उसको एक पत्ता बिंदी सिंदूर और एक डिब्बा चूड़ी तो जरूर उसको दान में दीजिए, इससे क्या होता है हमारा सुहाग का सुहाग जो होता है अटल बना रहता है, और हमें खुशी मिलती है कि इस तरीके से हम आपको दान में देते रहें, हमारा ये सौभाग्य है कि हम आपको ये दान दे रहे हैं ये सब चीजें।
बिंदी वगैरह तो जरूर, और हाँ कभी पुरानी बिंदी ना दीजिए, जब भी दीजिए अगर नया खरीद कर ही ला के दीजिए, नया बिंदी का पत्ता हो गया, नई चूड़ी के डिब्बा हो गया और सिंदूर वगैरह, ये सब क्या होता है हमेशा अगर किसी को दान में आप दे रहे हैं तो नया ला कर दीजिए, ना कि उसको पुराना दीजिए। तो इसी तरीके से आप अपना सुहाग जो होता है काफ़ी मतलब अटल बना सकते हैं। तो जितना आप देंगे उतना ही आपका जो सुहाग होता है, सुहाग की चीज़ें वो उतनी ही बढ़ती है। और अगर आपके पास बिंदी इस तरीके से ख़त्म हो जाती है तो आप ख़त्म ना बोलकर उसको बोला करिए बढ़ गया। सुहाग की चीज़ों को कभी ख़त्म नहीं बोला जाता, जैसे सिंदूर को भी हम लोग ख़त्म नहीं बोलते हैं, अक्सर यही बोलते हैं कि हाँ सुहाग मतलब हमारा सिंदूर बढ़ गया है। तो इस तरीके ख़त्म हुई भाषा तो बिल्कुल बोलनी नहीं चाहिए, सुहाग से संबंधित हमेशा कहना चाहिए हमारा बिंदी बढ़ गया और हमारा सिंदूर जो होता है वो बढ़ गया। इन दो चीज़ों के लिए कभी भी आप खत्म शब्द का यूज तो बिल्कुल भी मत करिएगा। और हमारा अगला उपाय क्या होता है कि जब भी अगर कोई अगर जा रहा है, अगर उसने बिंदी लगाई है तो कभी किसी की बिंदी को टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है अगर कोई उसका किसी और चीज़ से बुरा हो गया तो वो कहते अरे फलाने ने मेरा बिंदी ऐसे कहा, मेरा रंग को ऐसे करे कहा, मेरे सिंदूर को। कभी सिंदूर, बिंदी और महावर जो होता है रंग जो हम पैरों में आलता लगाते हैं, उसको कभी भी किसी औरत को टोकना नहीं चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है या बहुत खराब लग रहा है, कुछ भी नहीं, टोकना ही नहीं चाहिए। एक अगर सुहागन स्त्री है तो दूसरे सुहागन स्त्री को बिल्कुल भी नहीं टोकना चाहिए, इससे क्या होगा उसका कुछ मतलब इत्तफाक से प्राकृतिक रूप से उसका बुरा हुआ तो वो यही सोचेगा कि फलाने ने, से फिर आपको गाली भी मिल जाती, बहुत लोग शराब वगैरह भी देने लगते हैं। तो ऐसा काम आप बिल्कुल भी मत करिएगा, चाहे किसी का जो बिंदी या सिंदूर या जो महावर वगैरह लगा अगर वो अच्छा लग रहा है तो भी, नहीं अच्छा लग रहा तो भी कुछ आप उस पर कमेंट करिए ही नहीं। तो ये हमारा अगला उपाय था। अब हमारा अगला उपाय जो आने वाला है वो भी बहुत ही अच्छा सा है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सी औरतें होती जो अपनी बिंदी लगाकर दूसरों के लगा देती या अपना जैसे मैचिंग मैचिंग हो जाता है कि हाँ चलो ये मेरा तो तुम्हारा बिंदी मेरे से मैच कर रहा है और मेरा बिंदी आपसे मैच कर रहा है। तो इस तरीके से कभी नहीं करना चाहिए कि अगर आप लोग बिंदी कभी बदलिए ही नहीं, आप दूसरा बिंदी पत्ते में से निकाल कर लगा कर दे सकते हैं लेकिन पर अपनी माथे से निकाली हुई बिंदी तो आप बिल्कुल भी नहीं दे, ये बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है हमारे यहाँ। और हमारी संस्कृति यही है, हम लोग बिंदी लगाते अक्सर क्या होता है जो लेडीज होती जो कामकाजी जो ऑफिस वगैरह जाती हैं तो वो बिंदी लगाना नहीं पसंद करती है। तो उनके लिए भी मैं बहुत एक अच्छा सा उपाय बता रही हूँ, आप इस तरीके से छोटी सी स्टोन की जो बिंदी होती है इसको आप लगा लीजिए, ये बहुत ही अच्छा भी लगेगा और आपका बिंदी का काम भी हो जाएगा। अगर आप ये भी नहीं लगाना चाहती हैं तो अगर आपके पास कभी टाइम मिले, संडे हो या कभी छुट्टी हो, अगर वो सुहागन स्त्री है तो सुहागन स्त्री की तो यही निशानी होती है हमारी बिंदी, सिंदूर और बिछुआ पायल, ये तो अगर बिंदी अगर आप नहीं डेली में लगा सकते हैं तो आप क्या कहते हैं कि जिस दिन छुट्टी वगैरह हो तो उस दिन आप पूरा फुल मेकअप करिए जरूर, कुछ ना तो बिंदी सिंदूर तो आप जरूर ही लगाइए, क्योंकि ये हमारी जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, ये हमारे जो बनाया गया है ये इसको हमको फॉलो करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इसका भी एक अपना ही अलग एक महत्व होता है, बिंदी चूड़ी और सिंदूर ये सब भी कुछ ना कुछ अपने में ही एक अलग कहानी है। तो इसी तरीके से आप बिंदी का जब भी यूज करें तो हमेशा अपना ही बिंदी यूज करिए, अगर कहीं आप जा रहे हैं तो अपना पर्स में एक पत्ता बिंदी तो जरूर ही रखिए, और अगर नहीं हो पाता है तो फिर भी आप दो चार ऐसे इस तरीके से कट करके आप उसको रख लीजिए, तो आप हमेशा पड़ा रहेगा आपका, वैसे एक पत्ता बिंदी आप हमेशा पर्स में रखिए तो वो एक जगह पड़ा आप उसको निकालिए ही ना। अगर आपकी बिंदी कहीं छूट जाती है, जैसे इसका ये जो गोंद वगैरह होता है क्या होता है कभी कदार ये सब कम हो जाता है तो हम इसको ऐसे फेंक देते हैं, तो इसको फेंक के ना आप किसी ऐसे छोटी सी डिब्बी लीजिए, आप उस डिब्बी में इसको डालकर रख दीजिए, तो इससे क्या होता है हमारी बिंदी का अपमान भी नहीं होगा और हमारा सुहाग जो है हमेशा अटल रहेगा और हमें भगवान इस तरीके से बिंदी लगाने का सौभाग्य हमेशा देते रहें। तो इसी तरीके से बिंदी का बहुत ही अच्छा से मैंने आज उपाय आपको बताया है। तो बिंदी हमारा सबसे महत्व इम्पॉर्टेंट होता है और बिंदी लगाना हम सुहाग स्त्रियों का सौभाग्य होता है कि हमें भगवान ने आज ये दिन दिखाया है कि हम सुहाग 16 श्रृंगार न करके कम से कम बिंदी सिंदूर
ये सब तो चूड़ी वगैरह पहन के अपना सुहाग को अटल तो जरूर कर सकते हैं, और जितना आप ये सब करेंगे उतना ही हमारा सुहाग की आयु जो होती है उतना ही बढ़ता है। तो आप ये सब अपने जो होता है रेगुलर के काम, मतलब श्रृंगार में बिंदी, सिंदूर और चूड़ी तो जरूर पहनिए और इनको लगाइए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बताइए कि आपको मेरा ये आज का ये बिंदी से रिलेटेड आपको ये मेरा उपाय कैसा लगा। तो चलिए मैं आपसे फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।